Hello everyone, this is Visakha Miss from Visakha Classes, and today I'm going to teach you MCOM Part 2 Advanced Accounting. So let's start the lesson. The first lesson, Audit of Ledgers. आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए स्टॉप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट्स, जैसे इंटरनल चेक करना पड़ता है. इंटरनल चेक मतलब वहाँ पे आपको टाइमली के करेंट एंट्री सब हुई या नहीं हुई है. ओपनिंग बैलेंस चेक करना पड़ता है. ओपनिंग बैलेंस किसके साथ चेक करना पड़ता है? SA 510 इंटरनल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस इशू बाय द ICAI. पोस्टिंग, हमें सभी पोस्टिंग चेक करने पड़ते हैं कि सभी पोस्टिंग बराबर हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल परचेसिंग बुक, सेल्स बुक की जर्नल्स, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक्स एंड बिल पेबल्स बुक्स. इसके बाद आता है कंट्रोलिंग अकाउंट. अकाउंट के समरी लेजर्स या टोटलिंग जब टेली करते हैं बराबर है या नहीं है. वेरीफिकेशन ऑफ पर्सनली अकाउंटिंग बैलेंस, हमें वेरीफिकेशन करना पड़ता है कि हमारा जो अकाउंटिंग बैलेंस है वो बराबर है या नहीं है एज पर द SA 505 इंटरनल कॉन्फर्मेंस इशू बाय द SICAI. इसको अंडरलाइन कर दोगे. वेरीफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट सब बराबर है या नहीं हमें वो सब चेक करना पड़ता है. सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट सभी बराबर है या नहीं वो सब चेक करना है. टूल्स, हमने क्या क्या टूल्स यहाँ पे यूज किया हुआ है वो देखना रहता है. ट्रैकिंग डिटेल ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हम जो बैलेंस लेके जाते हैं वो बराबर है या नहीं है. एनालाइजिंग रिव्यू, रिव्यूज देना रहता है कि सभी जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर्स, करंट रेशियोज, फिक्स एसेट्स टर्नओवर्स सभी बराबर है या नहीं है. ऑडिट ऑफ बोरोडिंग लेजर्स, ऑडिट ऑफ बोरोडिंग लेजर्स में जो भी वॉचर्स हो गए, परचेस जर्नल्स एंट्रीज हो गई या कैश बुक्स हो गई, ये सभी क्वेरी अराइज होती है तो उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए उसी स्टेप्स से हमें फॉलो करा रहते हैं. सबसे पहले था ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस हमें चेक करना पड़ता है. ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो न्यू ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा. सभी पोस्टिंग बराबर है या नहीं, मतलब जो सर जनरल एंट्री होनी चाहिए वो सर हमने जनरल एंट्री की है नहीं, जिससे हमें परचेस सेल किया हुआ सेल हुआ या नहीं हुआ, जो कैश बुक में हमने बराबर एंट्री की है नहीं, वो सब हमें चेक करना पड़ता है. टोटल, द चेक द टोटल ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर्स का इंडिविजुअल अकाउंट जो भी होता है वो भी हमें चेक करना पड़ता है. एग्रीमेंट्स विद द कंट्रोलिंग अकाउंट, द टोटल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई अकाउंट एग्री द टोटल विद द कंट्रोल अकाउंट ऑफ द सप्लाई क्रेडिट इन द जनरल बुक. दो पार्टीज का जनरली बुक दोनों सेम है या नहीं है. डेबिट बैलेंस चेक करना पड़ता है. डेबिट बैलेंस में जो भी एंट्री हमने की वो सही है या नहीं है सब देखना रहता है. उसके बाद कंपोजिशन ऑफ बैलेंस देखना पड़ता है. हमें चेक करना पड़ता है कि जो जो क्रेडिटर हमारा क्रेडिट और उनका डेबिट दोनों के एंट्रीज हमारी सेम है या नहीं है. अगर सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है. डायरेक्ट कॉन्फर्मेंस, डायरेक्ट कॉन्फर्मेंस का मतलब होता है कि जो हमारा डायरेक्टली बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है उसके मैनर के सुटेबल एज द SA 505 के हिसाब से होना चाहिए. ट्रेकिंग इन द फाइनल अकाउंट, ट्रेकिंग द बैलेंस फ्रॉम द लेजर अकाउंट इन द शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर एंड फ्रॉम देयर ऑन ग्रुपिंग देम ऑन द फाइनल अकाउंट. हम पहले लेजर अकाउंट से शेड्यूल क्रेडिटर करेंगे, क्रेडिटर से हम ग्रुप कर बना के उसको फाइनल अकाउंट में डाल देंगे. ऑडिट ऑफ सेल लेजर्स, अभी सेल लेजर्स के हिसाब से देखेंगे. जैसे आप दिया है द ऑडिट ऑफ द सेल लेजर्स कस्टमर लेजर्स शुड बी टेकन अप ओनली आफ्टर द बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री. सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न बुक, मेन जर्नल या कैश बुक के हिसाब से हमें देखना चाहिए. ओपनिंग बैलेंस, चेक द ओपनिंग बैलेंस. पोस्टिंग्स हमने अभी समझा दिया क्या होता है. टोटलिंग क्या होता है वो भी समझा दिया. एग्रीमेंट, कंट्रोलिंग बुक, क्रेडिट बैलेंस, कंपोजिट ऑफ बैलेंस सभी सेम पॉइंट है. हाँ, यहाँ पे फॉरेन करेंसी डेटर्स बैलेंस आता है. जो भी हमारे फॉरेन करेंसी आते हैं उसको हमें पहले एक्सचेंज करना रहता है रुपीस में. एक्सचेंज करने के बाद हमें उसकी एंट्री करनी रहती है. एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द अकाउंटिंग सेक्शन 11. ये सभी बाकी सब वही है. जर्नल लेजर्स, जर्नल लेजर्स में हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं. जैसे व्हाई सिक्योरिटी ऑफ जर्नल लेजर इज डन, व्हाट इज डन बिफोर द सर्च ऑफ सिक्योरिटीज, हाउ द सिक्योरिटीज ऑफ द जर्नल लेजर इज डन. अब क्यों होता है वो सब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. जैसे कंप्लीटली रिकॉर्ड होना चाहिए. एंड ऑफ द ईयर में हमें बराबर हमारे पास लाइबिलिटी और एसेट्स का बराबर बैलेंसिंग होना चाहिए. वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर प्रॉपरली वैल्यूज होने चाहिए. कुछ भी इनकम अराइज करने के लिए हमें कुछ भी गड़बड़ करना नहीं चाहिए. डिस्क्लोजर द बैलेंस
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी आर प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट. द अमाउंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस आर प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस. वॉट इज डन बिफोर द सिक्योरिटी. बिफोर मेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ जनरल लेजर ऑडिटर्स शुड एंसर दैट फॉलोइंग ऑडिट प्रोसेस हैज बीन ड्यूल कंप्लीटेड. क्या क्या उसको देखना चाहिए? स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, वॉचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए. हाउस सेक्रेटरीज उसको क्या क्या चेक करना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस चेक करना चाहिए, सब पोस्टिंग बराबर हुई है नहीं, कास्टिंग हुई है नहीं, लेजर्स अकाउंट्स बराबर हुए नहीं, और लास्ट में समरी एंड द ग्रुप. कुछ फॉलो स्टेप्स करना चाहिए. सबसे पहले चेकिंग, वही ऊपर जो हमने अभी देखा था वही इसी को सबको एक्सप्लेन किया है कि ओपनिंग बैलेंस बराबर होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए. चेक इन द कास्टिंग होना चाहिए. चेक इन द कास्टिंग का मतलब होता है इफ द अकाउंट रन इन मेनी पेजेस इट शुड चेक दैट टोटल ऑफ वन पेज इज करेंटली कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज. सब एक पेज का टोटल करो, नेक्स्ट पेज में देखो कि उसका सेम टोटलिंग वापस फॉरवर्ड हुआ या नहीं है. सिक्योरिटी ऑफ द लेजर्स अकाउंट्स दिया है, उसमें सबसे पहले आता है सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट मीन्स द मेन सोर्स ऑफ इनकम सिक्योरिटी इन द डेप्ट. द मंथली समरी इज चेक इन योर सेल्स रजिस्टर. डेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिसीव. पोस्टेड फॉर कैश बैक जर्नल्स आर इंडिविजुअल एंड नॉट द समरी पोस्टेड. क्रॉस चेकिंग करना चाहिए, ये बुक से वो बुक या दूसरी एंट्री से ये एंट्री से हमें क्रॉस चेक करना चाहिए. कट ऑफ ट्रांजेक्शन करना चाहिए, किसी ने अगर कुछ लिया हुआ आपस चेंज कर रहे हो, कुछ बिल ऑफ रिसीव अगेन हो रहा हो, डिस्पैच हो रहा हो, तो हमें चेक करना चाहिए. ट्रांजेक्शन विद द बैलेंस शीट डेटा, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ बैलेंस शीट के हिसाब से हमें चेक करना चाहिए. अनालिसिस ऑफ रिव्यूज, जो भी हमारे अनालिसिस हुए हैं वो सभी हमें चेक करना चाहिए. कैसे चेक करेंगे? सेल्स शुड बी इक्वल टू सोल्ड क्वालिटी सोल्ड इन टू द स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए. सेल्स फॉर करंट ईयर शुड बी कंपेयर विद द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. ये सर अगर मैंने 100 रुपीज का अगर सेल किया, लास्ट टाइम मैंने कितना सेल किया? 90 सेल किया, तो मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ कि मैंने इस बार 10% ज़्यादा सेल किया. लेकिन लास्ट टाइम मैंने 110 का सेल किया, लेकिन इस बार मैंने 100 का ही सेल किया, मतलब 10 का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया. इसे कंपनी को ऑडिटर को चेक करना रहता है. सेल्स क्वालिटी शुड बी कंसीडर्ड. सेल्स क्वालिटी ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस द क्लोजिंग स्टॉक. इनपुट का मतलब आउटपुट रेशियो शुड बी चेक. वेरियस टर्नओवर रेशियो शुड बी कंपेयर्ड एंड कंपेयरिंग वाइज. सेल्स टू नेट कैपिटल एम्प्लॉय, सेल्स टू फिक्स एसेट इन एम्प्लॉय, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, नेट प्रॉफिट टू सेल्स शुड बी कंप्यूटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड. बुक एंट्री सभी बराबर है या नहीं वो सब चेक कर रहे हैं. सेल्स टू ग्रुप कंस्यूम, जो भी हम सेल्स कर रहे हैं ग्रुप में अगर कर रहे हो तो उसको बराबर ही हमें चेक करना चाहिए. चेक इन द ट्राइब बैलेंस इन ग्रुपिंग, ट्राइब बैलेंस और जो भी ग्रुप बने हुए सभी को चेक करना चाहिए. शेड्यूल थर्ड के हिसाब से हमें फॉरेन करेंसी फॉर्म द एक्सपोर्ट गुड्स भी, वो भी सब चेक करना चाहिए. अब अदर इनकम्स अकाउंट, सैम्पल चेकिंग. सैम्पल चेकिंग मतलब कोई भी हमें सैम्पलिंग जो चेकिंग होती है वो भी हमें चेक करना चाहिए, जैसे हम स्क्रैप सेल्स हो गया, रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, ये सब. क्रॉस चेकिंग तो आपको मतलब क्रॉस चेक करना, कट ऑफ ही मालूम है आपको. ट्रांजेक्शन आपका बैलेंस शीट, सेम पॉइंट आया वापस. एनालिसिस ऑफ रिव्यूज ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स ही है, बस खाली ऊपर की हेडिंग कुछ अलग कर दिया है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 होता है. रिकवरिंग कंसीडर, इसको आप अंडरलाइन कर दोगे यहाँ पे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवेन्यूज ऑफ रिकंसीडर एंड इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ISAI ऑफ पर्पस. जनरल रूल्स, हमें जो भी जनरल रूल्स होते हैं वो सब फॉलो करना चाहिए. सर्विस चार्ज जो भी सर्विसेज हमें चार्ज लगती है वो भी हमें पे करना चाहिए या वो सब हमें चेक करना चाहिए. इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न टाइम बेस्ड ऑन द रेट ऑफ अक्यूअर. फिर लोन एग्रीमेंट, किसी ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ही पेबल 20% पर ईयर, इंटरेस्ट फॉर ईयर विल बी ₹20,000. इफ ओनली ₹50,000 रिसीव टिल द ईयर एंड. 1 लाख रुपए लिया उसने, 1 लाख उसको 20% का लोन, 20% इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे उसने 20,000 उसको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 15,000. लेकिन अभी 5,000 बाकी है, तो 5,000 जब बाकी है तो नेक्स्ट टाइम जब आप बुक में लिखेंगे वो 20,000 प्लस 5,000 कितना होगा? 25,000. नेक्स्ट ईयर उसको कितना मिलना चाहिए? 25,000. रेंट का भी ऐसा ही है. रेंट अगर एग्रीमेंटली किया है कि जस्ट इफ द रेंट एग्रीमेंट स्टेट रेंट ऑफ ₹1,000 इज पेबल पर मंथ, हर एक महीने के हिसाब से 1,000 रुपये, लेकिन उसका टोटली 12 पूरे साल का कितना होता है? 12,000. लेकिन अगर वो 10,000 रिसीव करता है एंड ऑफ द रेंट, तो 2,000 बाकी होते हैं, तो अगले साल क्या करेगा वो? 15,000 पहले से उसको पे करना पड़ेगा. रॉयल्टी, रॉयल्टी मीन्स द चार्जेस फॉर यूज टू नो हाउ
पेंशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रॉयल्टी अक्रूअल एज पर द ट्रेड ऑफ अक्रूइंग एग्रीमेंट, डिविडेंड जो शेयर्स को डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलता है वो, पैरियोडिक इनकम मीन्स इनकम क्रेडिटेड टू द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा इनकम जो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिटेड हो जाता है, परचेस अकाउंट, क्रॉस चेकिंग, वही सब वापस चेक करो उसमें कट ऑफ कितना, ट्रांजेक्शन कितने, वो सब हमें परचेस के भी सेल। पेज नंबर 15 पे एक सम दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे कुछ उन्होंने बैलेंसेस दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चंस हमें पूरा एक सम बनाना, लेकिन अभी एग्जाम में इतना सम आने वाला नहीं है, बस किस तरीके से यार कुछ पूछे कि ऊपर इतना बड़ा अगर कुछ क्वेश्चन दिया है तो नेम ऑफ द लेंजर्स कौन है, किसके नाम पे बना हुआ है, विनयति अकाउंट के नाम पे, तो विनयति अकाउंट लिख दिया जैसे, फिर हमने नेम ऑफ द अकाउंट कौन है, विनयति अकाउंट, फिर और क्या आगे क्या है, पीरियड ऑफ लेंजर्स कब से कब है, हम देखेंगे यहाँ पे डेट्स 2021 से लेके 2022, तो 2021 से लेके 2022 इस तरीके से हमें यहाँ पे सम कर देना है। सम इतना आने वाला नहीं है इसलिए इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसका मतलब क्या होता है खाली इतना ही ये सब लेसन में आपको समझना है। पेज नंबर 25 पे आ जाएंगे जिसमें यहाँ पे ये सब भी सम वैसे ही उसी तरीके से करना है। नीचे भी पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ मेन जर्नल के कंसर्न के एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेस्टिफिकेशन एंट्री, एंट्री विच कैन नॉट बी अक्वेस, ये सब दिया हुआ है। अब इसमें कुछ पॉइंट टू कीप इन द माइंड क्या है, वही वापस ओपनिंग एंट्री, रेस्टिकेट एंट्रीज देखना है कि बराबर है या नहीं है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पर डाले हुए, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज बराबर है या नहीं, वो सब देखना है। उसके बाद जनरल एंट्री नॉट सपोर्टेड बाय द एनी वॉचेस लाइक बिल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब देखना है हमें। फिर नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज देखेंगे। अब बैलेंस शीट ऑडिटिंग, मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, बिना अप्लाई वेरीफाई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, अकाउंट असेट्स एंड लाइबिलिटी एज वेल, दिस इज ड्यू टू द टू रीजन, इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस यूनिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ द अकाउंट। और द बैलेंस शीट ऑडिटर कंसर्न वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल द बैलेंस शीट आइटम अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंटेंट विच आर सो क्लोजली रिलेटेड टू दोज आइटम दैट इफ इट कैन नॉट बी प्रॉपरली वेरीफाई विदाउट अ सर्च एनालिसिस एंड द टेस्टिंग। कुछ नहीं, बैलेंस शीट का मतलब होता है हमें जो वेरीफिकेशन करना रहता है बैलेंस शीट को कि हमारे जो दोनों असेट्स एंड लाइबिलिटीज बराबर है या नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डेट्स के हिसाब से, वेरीफिकेशन ऑनरशिप एंड द एंटरप्राइज कंट्रोलिंग असेट्स, प्रूफ दैट ऑल द असेट ऑन एंड कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज, कि जो भी हम असेट यूज कर रहे हैं वो ऑनर ही यूज कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड असेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रूफ दैट ऑल द लाइबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन एक्चुअल अमाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये सब समरी अब दिया हुआ है। पूरा जो भी लेसन में हमने अभी पढ़ा है वो सब भी इसी समरी में यहाँ पे दे दिया है। ये लेसन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेसन जाएंगे कंपनी अकाउंट ऑडिटिंग वन। कंपनी ऑडिटिंग का वन का मतलब क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। सबसे मेन है कि इसके सेक्शन सभी याद रहना, जैसे आप दिया है सेक्शन 128 टू सेक्शन 138। अब क्या दिया है, सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, एवरी कंपनी शैल कीप एस इट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग ड्यूलर, क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑल द सम ऑफ मनी रिसीव इन स्पेंड रिलेटिव मैटर, ऑल सेल्स एंड परचेस, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी, सच कॉस्ट रिकॉर्डिंग रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ कंपनी रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज, जो भी रहेगा हमें सभी के इसको रिकॉर्ड्स बना के रखना है। अब क्या दिया है, सेक्शन 128 हैज टू कंडीशन फॉर प्रॉपर बुक्स से, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी होना चाहिए, डबल एंट्री होनी चाहिए, दोनों से कोई भी एक तो होना ही चाहिए। अब ब्रांच रिटर्न इन द केस ऑफ एनी ब्रांच इट शुड एंसर दैट द प्रॉपर समरी इंक्वायरी रिटर्न टू ट्रांजेक्शन ऑक्वायर टू द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो भी अगर ब्रांचेस है उस कंपनी के तो वापस उसके जितने भी अकाउंट एंड डिटेल जो भी होगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आने चाहिए। प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होना चाहिए। अब प्रिपरेशन ऑफ बुक अकाउंट, बुक ऑफ द अकाउंट विद द वॉचर ऑफ प्रोसीड 9 इयर्स शुड बी प्रेजेंट, जो बुक ऑफ अकाउंट होती है उसमें 9 साल का तो होना ही चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव फाइनेंशियल ईयर, अब क्या होना चाहिए, एनुअली अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एक्सपेंस केस में भी, बैलेंस शीट टूगेदरिंग विद द डायरेक्टर रिपोर्ट शुड बी लेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर एवरी एनुअल जनरल मीटिंग
और रिगार्डिंग पीरियड इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर, जो एक बुक होती है जिसमें हमें पूरा सब कुछ जो भी हमारी मीटिंग हो गई है वो, और बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जितने भी होते हैं वो सभी उसमें हमें होना चाहिए। द फाइनेंशियल ईयर इन द सच अ केस में बी लेस इक्वल और मोर देन द कैलकुलेटिंग द ईयर विद द मैक्सिमम 80 मंथ्स एंड एंडिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट शैल बी जनरली नॉट पर्सन डेट ऑफ द AGM बाई मोर देन द 6 मंथ अनलेस द परमानेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। बोला गया है कि यहाँ पे कम ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने के लिए फाइनेंशियल ईयर होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कैलेंडर के हिसाब से। प्लस कि जो हमारा AG है, जो हमारी मीटिंग होती है उस टाइम उससे 6 महीने बाद पहले हमारी मीटिंग सभी यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट के हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। मेंटेन द सिक्योरिटी बुक्स जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडेक्स और डेटर्स होल्डर, ये जो भी रजिस्टर ऑफ चार्ज, मिनट बुक, सभी हमें वहाँ पे बराबर से होनी चाहिए। प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट को बराबर से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस को फॉलो करना चाहिए जिसे यहाँ पे दिया है कि कंपल्सरी इतने वर्टिकली फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नॉन कंपनीज ऑफ AS ऑफ ICAI, द नेशनल एडवांसेंस कम्युनिटी थ्योरी ऑफ डिविडेंड रीजन ऑफ इफेक्ट्स होंगे। एक्सपेंडेंस क्या क्या दिया है, स्पेशली क्लासीफाइड कंपनी लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट जनरेटिंग, व्हेन एंड व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट एनी कंपनी मॉडिफाइड, ये सब। जनरल कंसर्न ऑफ द कंपनी ऑडिटिंग होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, मतलब जो सही है जो सही है, जो गलत है वो जो गलत, मतलब नीट एंड क्लीन अपना अकाउंटली बुक होना चाहिए। मटेरियलाइजेशन नहीं, मटेरियलाइजेशन मतलब नॉन रिकर अनयूज आइटम्स या इनकम एंड लॉस को भी, अनयूजली आइटम्स को कभी भी हमें एंट्री उसमें नहीं करना चाहिए। एनालाइजेशन एंड स्टडीज होना चाहिए विद गिवन द प्रीवियस ईयर फिगर, द प्रॉपर सिक्योरिटी शुड बी मीट, सिक्योरिटी मेड बी टेक हेल्प ऑफ वेरियस रेशियोज, जो भी रेशियो से पहले के ईयर के ये साल के ईयर को हमें कंपेयर भी करना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर फॉलो चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स मतलब जो कंपनी की इंटरनल कंट्रोल की बराबर सेल्सिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर हम सब ऑडिटर सब कुछ सब काम बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब इंटरनल कंट्रोल ही होना चाहिए। ऑडिटर अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए। डिस्क्लोज डिस्क्लोज करना चाहिए कि बराबर कंपनी लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब फॉलो किए या नहीं किए। प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव असेट्स, असेट्स आपको मालूम है जो भी हम चीज़ कंपनी के लिए यूज़ करते हैं उसको असेट बोलते हैं। लाइबिलिटीज जो हम किसी, वी शुड नॉट सर्टिफाई हिम सेल्फ दैट लाइबिलिटी एंड एक्चुअली लाइबिलिटी आर नॉट मैन बुक द एंट्रीज। फिर वर्किंग पेपर सभी बराबर होना चाहिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग बराबर होना चाहिए, रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट बन रही है वो सभी क्लियर नीट एंड क्लीन बराबर ऑडिट के हिसाब से होने चाहिए। प्री कंप्यूटर एंड कंसिस्टेंसी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ कंपनी ऑडिटिंग इश्यू बाय द ICAI बिफोर कंसिडरिंग ऑडिट, द ऑडिटर शुड टेक हिम द फेलियर अकाउंटेंट ईयर, नेम ऑफ द नेचर कंपनी, बिजनेस जो भी कंपनी है उसका नाम बराबर होना चाहिए। स्टेट ऑफ द कंपनी रेफरेंस ऑफ सेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रोविजन मेमोरेबल आर्टिकल होना चाहिए। लिस्ट ऑफ बुक अकाउंट होना चाहिए। कंप्लीट ऑफ सेक्शन होने चाहिए। कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिटर होना चाहिए। रिव्यू प्रीवियस ऑडिट नोट एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स, एनी पॉइंट अराइज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन ऑडिट रिपोर्ट, ये सभी वहाँ पर पॉइंट्सली होने चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एंड पावर, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटली जो भी होता है वो सभी यहाँ पे बराबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिसीजन ओनली इन द बोर्ड मीटिंग एज पर द सेक्शन 179 फॉलोइंग डिसीजन, टू मेक अ कॉल ऑन द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन द शेयर, टू ऑडिट बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, टू इश्यू द सिक्योरिटी इंक्लूडेड डेटर्स विच वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, टू बोरो मनीज, टू इन्वेस्ट द फंड्स, टू ग्रैंड लोन्स, टू अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू डायरिफाई द बिजनेस, टू अप्रूव अमर्गनाइजेशन, टू टेक ओवर द कंपनीज, टू टेक ओवर द कंपनीज एक्विटी कंट्रोल, एनी अदर मैथड विच मे बी डिस्क्राइब, हमें कंपनी के बराबर हमें ये सभी फॉलो जो भी देगा मीटिंग में ही हो जाए। डिसीजन ओनली इन द जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ फ्लेक्सीबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, सेल्स लीज एंड अदरवाइज, ये सभी हमें जनरल मीटिंग में होना चाहिए।
मिनट बुक, मिनट बुक मतलब जब मीटिंग हो तो कोई एक जन देखा देखा होगा हमने कभी भी, उन लोग फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में पॉइंट्स लिख देते हैं, बाद में एक मिनट बुक में आराम से उन लोग कॉपी आउट कर देते हैं, उसी का होता है मिनट बुक। ऑडिट ऑफ द सर्टन पेमेंट, पेमेंट किस तरीके से होना चाहिए ऑडिटर का वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ रेजोल्यूशंस, कंपनी एक्ट के हिसाब से 2013 के हिसाब से हमें फॉलो करना है। द पेमेंट एंड प्रोफेशनली सर्विसली बराबर होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट्स, मोड ऑफ पेमेंट्स किसी तरीके से मंथली पेमेंट कर सकते हो या उनको पार्टली पेमेंट कर सकते हो। कैलकुलेटर ऑफ नेट प्रॉफिट बराबर होना चाहिए एज पर सेक्शन 198। सिटिंग फीस उनका बराबर होना चाहिए। पेनल्टी फॉर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। चैरिटी डोनेशन सिमिली कंस्ट्रक्शन, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शुड नॉट बी एक्सेड द 5% और एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बाद में कंपनी अलाउड एंड टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। डायरेक्टर सीटिंग फीस जो भी देते हैं उनके साथ बराबर होना चाहिए। एक्सपेंस एंड कॉपरेटिव सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिटी बोर्ड्स रिपोर्ट्स एज पर सेक्शन 134। ड्यूटी ऑफ द सी एस आर एस कम्युनिटीज। बाद में लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर्स पे कुछ लिमिट्स ली होती हैं वो भी हमें देखना पड़ता है। किसके हिसाब से एज पर द सेक्शन 135। एवरेज नॉट प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर बाय द वे ऑफ द डिविडेंड। शेयर होल्डर को एज डिविडेंड के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है, जिसको वेरीफिकेशन करना रहता है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करना रहता है, एग्जामिनेशन कंप्लीट विद द लॉस के हिसाब से हमें देना पड़ता है। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर प्रोविडेंट डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, आउट ऑफ मनी प्रोवाइड बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज हो तो डेप्रिसिएशन में चार्ज करना रहेगा, ट्रांसफर पोजिशन ऑफ प्रॉफिट इन द रिव्यूज, प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमें कब डिक्लेयर करना रहेगा, जब बोर्ड ऑफ मीटिंग या जनरल मीटिंग होंगे तभी हमें डिक्लेयर करना रहेगा। इंटर डिविडेंड्स लिए तो इंटर डिविडेंड काल भी डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरली पेड द मिडल ऑफ द ईयर। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइन ये अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पे, जब कब पे करते हैं मिडल ऑफ द ईयर में, और इज डिक्लेयर बाय द इन द बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स इन द कंपनीज इंक्रोज लॉस इन द करेंट फाइनेंस। अगर लॉस कुछ हो जाए तो इंटर डिविडेंड इज डिक्लेयर टू कीप द शेयर होल्डर हैप्पी एंड कीपिंग द गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। सिर्फ किसको डिक्लेयर करेंगे, शेयर होल्डर्स को जो भी रहेंगे, क्योंकि उनका कंपनी को मार्केट में उसका अच्छी इमेज बनाए के रखनी भी जरूरत है। बाद में कंडीशन कॉमन फॉर बोथ द फाइनल डिविडेंड्स एंड द इंटरनल डिविडेंड्स के हिसाब से पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज के होना चाहिए। जैसे आज डिक्लेयर किया 30 दिन के अंदर अंदर मुझे वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड्स होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ लास्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट ऑफ लास्ट पेमेंट होगा वो करना है। पेनल्टी ऑफ नॉन पेमेंट होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट्स क्या क्या हो चाहिए, कैश चेक डिविडेंड वॉरिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक मैनर। प्रोविडेंट ऑफ द डिविडेंड्स हो चाहिए। फ्री रिजर्व्स होने चाहिए। पनिशमेंट फॉर फेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर बट हैज़ बीन नॉट पेड अ डिविडेंड वॉरेंट हैज़ बीन पोस्टेड विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयर। डिक्लेयर तो कर दिया कि पेमेंट करने वाली, लेकिन 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो उन्हें क्या होना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। क्या पनिशमेंट चाहिए, कंपनीज आर लाइबल टू पे द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम टू द पे विच इज डिफॉल्टिंग कंट्री। अगर नहीं पे किया तो 18% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, या एटलीस्ट ₹1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच अ डिफॉल्टिंग कंटिन्यूस, या ₹1000 उनको पे करना पड़ेगा एवरी डे के हिसाब से जब तक तो उन लोग पे नहीं करें। नो पनिशमेंट फॉर फॉर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड अंडर द स्पेशल कैश। डिविडेंड शैल नॉट बी पेड ड्यू द ऑपरेटिव ऑफ एनी लॉ। कोई लॉ आ गया तो डिविडेंड नहीं पे करेंगे। डिविडेंड हैज बीन ड्यू एचएससी अगेंस्ट द ड्यू एनी ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर्स, या डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू डिविडेंड रिसीव द डिविडेंड्स, ये सब सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन द माइंड। डिक्लेरेशन डिविडेंड एनी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन टू रिसर्व बोनोफाइड डिसीजन ऑफ बोर्ड इज रिस्पेक्ट टू डिविडेंड कैन नॉट बी कैंसल। डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर अनकंडीशन पेड इन 30 डेज। डिविडेंड इक्विटी शेयर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली आफ्टर डिविडेंड आर पेड टू द, जब तक प्रिफरेंस शेयर्स को डिक्लेयर नहीं करते तब तक इक्विटी शेयर्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट शैल बी कॉल्ड द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपनिंग बाय द कंपनी इन एनी सेड्यूल्ड बैंक।
अमाउंट ऑफ द अनपेड डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन द एक्सपायरी ऑफ द 30 डे पीरियड्स। 30 दिन के अंदर ना उनको कैसे भी करके वहाँ पे पेमेंट वहाँ पे पहुँचाना रहता है। वाउचर्स ऑफ पेमेंट्स, वाउचर वाउचिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाइसेंस एग्रीमेंट, इंटर डिविडेंड्स, अभी हमने पढ़ा था। अब इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पीरियड दिया है, जैसे वेलोसिटीज ऑफ द फिक्स एसेट, वेलोसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेलोसिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुड, वेलोसिटी ऑफ द इन्वेंटरी, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम, रिवेन्यू रिकॉर्डिंग, कैश ऑफ द लॉन्ग टर्म कंसर्न, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स डूइंग कंस्ट्रक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड द लाइबिलिटीज, मैनर ऑफ डिस्क्लोज सम फ्रॉम फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम को डिस्क्लोज एंड एनी प्लेस, कोई भी डिस्क्लोज कर सकते, कोई भी प्लेस पे रह के। इट कैन बी चार्ज विद मेटेरियल करंटली फेल। ऑडिट ऑफ लाइबिलिटी, बोरोइंग पावर होता है ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज को एज पर सेक्शन 179 एंड 180। रजिस्टर चार्ज करना पड़ता है, डिपॉजिटली करना पड़ता है एज पर सेक्शन ऑफ 73 कंपनी एक्ट 2030। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज हमें सब पे करना रहता है। ग्रुप से लोन होता है हमें। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मीन द कैपिटल राइज बाई द इश्यूइंग ऑफ द शेयर्स एंड द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द शेयर होल्डर टूवर्ड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। टोटल अमाउंट इन्वेस्ट बाय द शेयर होल्डर इज कलर इज नोन एज द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आर डिवाइडेड इन द टू टाइप, इशूइंग कैपिटल एंड अन इशूइंग कैपिटल। इशूइंग कैपिटल आर डिवाइडेड इन द टू टाइप, सब्सक्राइबिंग कैपिटल, अनसब्सक्राइबिंग कैपिटल। सब्सक्राइबिंग कैपिटल कॉल नोन एज द फ्री टाइप, कॉल अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। एंड कॉल अप कैपिटल डिवाइड बाय द टू टाइप, पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन अदर। ये सभी चीज़ हमने फर्स्ट ईयर बीकॉम में किया था, जहाँ पे हमने मैथ्स में शेयर्स के बारे में पढ़ा था, कैपिटल्स ये सब के बारे में, जहाँ पे हमें शेयर मार्केट के बारे में पूरा फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई करने पे मिला था। सेम चीज़ है, बस इसको थेरिकल वे में समझाया गया है। यहाँ पे ऑथोराइजिंग शेयर कैपिटल्स होना चाहिए, वहाँ में इश्यू कैपिटल क्या होता था, पार्ट ऑफ ऑथोराइजिंग कैपिटल विच इज ऑफर बाय सब, इट इज कैलकुलेट एज द नॉर्मल वैल्यू मीन द फेस वैल्यू, इसी नॉन इश्यू कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल्स क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है जो इश्यू बाय द सब्सक्राइब और टेक बाय द पब्लिक, इज नॉन एज सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल अप कैपिटल वो होता है जिसमें सब्सक्राइबर पब्लिकली होता है, बट नॉन इनटू एंटायर कैपिटल इफेक्ट देना पड़ता है। द कॉल अप कैपिटल इज प्लॉटेड बाय द सब्सक्राइबर कैपिटल विच इज बीइंग कॉल और डिमांड बाय द कंपनी टू बी द पेड। पे अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल वो होता है जो इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल होता है और जो मेंबर से पे हो चुका होता है, और उसमें से जो सब मेंबर्स होते हैं जो नॉट पेड इज कॉल्ड द कॉल मैन। द पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल ऑफ द लेस कॉल इन आर आई। टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल क्या क्या होते हैं, इक्विटीज लिमिटेड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड द प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल का मतलब होता है हैविंग द वोटिंग राइट एंड डिफरेंट राइट हैज बीन डिविडेंड वोट एंड अदरवाइज इन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इन रूल। वह प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को वोटिंग राइट्स की राइट्स नहीं होती हैं। प्रीफरेंस कैपिटल मीन दैट द पार्ट ऑफ द इशूइंग शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज और वुल कैरी द प्रीफरेंस राइट टू द एक्सपेंस रीपेमेंट ऑफ कैश ऑफ विनिंग पेमेंट ऑफ कैपिटल। ऑर्डर ऑफ इशूइंग द शेयर्स फ्रॉम द कैश द कंपनी एक्ट एंड द सीपास गाइडलाइन हैज बीन डाउन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन ऑफ स्टेटेड अलॉटमेंट ऑफ कैशेज कॉल्स एप्लीकेशन ऑफ मनी रिसीविंग, समय से मनी रिसीविंग के हिसाब से एप्लीकेशन करना पड़ता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स देने रहते हैं, कॉल ऑन शेयर्स के हमें चेक करना रहता है, ये सब भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑडिट ऑफ शेयर्स इशू फॉर द कंसर्न अदर देन द कैश, कैश के सिवा और क्या ऑडिट ऑफ शेयर को इशू होता है वो सब अभी नीचे दिया हुआ है। वेरीफाई द कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट होना चाहिए। ही शुड कंसर्न द अदर कैश, ही शुड ऑल्सो एग्जाम द पोस्टिंग एंड डिस्क्लोजिंग। शेयर्स इशू एट द प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब अगर 100 रुपये हैं तो मेरे को 110 रुपये में मिलेंगे, 10 रुपये ऐसे मेरा प्रीमियम हो गया। इशू ऑफ द शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब हो गया कम में, 100 रुपये में 5 रुपये कम कर दिया मतलब 95 रुपीज में हमें मिलेगा। कॉल इन एडवांस, एडवांस में जो पैसा एडवांसली हमें पहले से ही मिल जाता है उसको बोलते हैं कॉल रिसीव इन एडवांसली। कॉल इन आर्य
अनपेड अमाउंट ऑन द कॉल इज नॉन एज कॉल इन अरेयर, और कॉल इन अरेयर का इंटरेस्ट रेट कॉल इन अरेयर का शुड बी नॉट एक्सेड टू 5% होना चाहिए। इश्यू ऑफ द बोनस सेल, बोनस सेल्स का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली वैल्यू होता है जो इक्वल अमाउंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर होता है उसी को बोला जाता है बोनस इश्यूज, और जो बोनस इश्यूज आर एंड द शेयर्स आर नोन एज द इश्यूज को बोला जाता है बोनस इश्यूज और शेयर्स को बोला जाता है बोनस शेयर्स। लीगली प्रोविजनली होना चाहिए, बाद में ऑडिट के प्रोसेस, जो भी ऑडिट का प्रोसेस होता है वो पूरा फॉलो अप करना चाहिए। बाद में आते हैं ऑडिट ऑफ फोर पीरियड ऑफ शेयर्स के लिए भी बराबर होना चाहिए, ऑडिट प्रोविजन फॉर फॉर्मेट ऑफ शेयर्स के लिए भी क्लियर डेट होना चाहिए। रिडीम्स जी कि ओनली फुल पेड ऑफ प्रीमियम शेयर कैन बी रिडीम होना चाहिए, हाफली पेड लिए होगा तो चलेगा नहीं, ये सब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अप्रूवल ऑफ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, जिससे तो ट्रांसफॉर्म लिमिटेड कंपनी ऑडिटर शुड एग्जाम द ए एंड सी द कंपनीज अलाउड टू इन्वेस्ट द शेयर्स और नो। इन द केस ऑफ सेल सर्टिफिकेट ली इज नॉट अवेलेबल फॉर द लेटर ऑफ इंटरनेमेंट शुड बी एग्जाम, और इन द केस ऑफ सेल सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल द लेटर ऑफ इंटरनेमेंट शुड बी एग्जाम, अगर सेल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो लेटर ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी एग्जामिनेड। बाय बैंक ऑफ शेयर होना चाहिए, लीगली प्रोविजन होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, ऑर्डर एंड स्पेशल रिजन लिमिट ऑफ अकाउंट लिए होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट एक्सेड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, डेप्ट इक्विटी रेशियोज होना चाहिए शुड नॉट बी एक्सेड 21, फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिबा होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट लिए बराबर क्लियरली होना चाहिए, जैसे बाय बैक होना चाहिए, क्लास ऑफ सिक्योरिटी शुड भी बराबर होना चाहिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग अंडर द बाय बैक होना चाहिए, टाइम लाइन ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ बाय बैक होना चाहिए, ये सब। टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीटिंग होना चाहिए, 12 मंथ के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। मैथड्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर द ओपनिंग मार्केट, फॉर द ऑड लेटेड लॉट्स ऑफ स्मॉलर देन द मार्केट लॉट्स, ये सब। डिक्लेयर ऑफ सॉल्वेंटली होना चाहिए एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड द सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिबी। रिटर्न में जो भी होगा उसको 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय बैक के लिए बराबर होना चाहिए। अल्टरनेटिव ऑफ सेल्स कैपिटल, अभी हमने अल्टरनेटिव पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ ड्यूटीज होती हैं, जैसे सब सेक्शंस के हिसाब से और वन सब सेक्शन ऑफ 30(64) के हिसाब से। स्वीट इक्विटी सेल्स होना चाहिए, नॉट लेस देन द 1 ईयर होना चाहिए, डेट ऑफ सच इशू एलेप्स सिंस द डेट ऑफ विच द कंपनी हैज बीन कंप्लीटिंग बिजनेस। ऑडिट ऑफ द डेप्टर्स होना चाहिए, सिंपल एंड नेगेटिव होना चाहिए, फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्जेस होना चाहिए, फिक्स मॉर्टगेज फर्स्ट मॉर्टगेज एंड सेकेंड मॉर्टगेज होना चाहिए, कन्वर्टेबल नॉन टू द और नॉन कन्वर्टेबल होना चाहिए। डेटर्स इशू बाय द डिस्काउंट, डिस्काउंट अभी आपको मैंने बताया था जो फेस वैल्यू से भी कम होता है उसी को बोलता है डिस्काउंट बोला जाता है। डेटर्स इशू एट द डेटर्स इशू एट द प्रीमियम, सेम चीज, जो प्रीमियम से एक्सचेंज होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू, मतलब नॉर्मल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। रिडीम एट द पार, पार का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है उसी को बोला जाता है पार, मतलब जो जितना है उसी में 10 रुपीज़ से 10 रुपीज़ के हिसाब से ही बिकना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड होता है जिसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीविंग एक्सपेंडिचर्स इट शुड बी पेड इवन इफ देर इज नो प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ तो भी हमें पेमेंट करना जरूरी है। इश्यू ऑफ द डेप्ट एज अ कॉलेटरल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से कैसे इशू होता है वो सब दिया हुआ है। इफ द लोन इज नॉट पेड ऑन द टाइम द सिक्योरिटी विल बी द सॉल्ड आउट। ये लेसन में इतना ही, थर्ड लेसन देख लें कंपनी एक्ट सेकेंड, यहाँ पे इसमें सिर्फ इतना ही है कि ये कौन से सेक्शन से वो आपको देखना है, प्लस पार्ट वन फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट जनरल प्रोविजन एंड द बैलेंस शीट एंड पार्ट टू द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट के हिसाब से पार्ट वन फॉर्म कौन सा होना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट होना चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ द बैलेंस शीट, और पार्ट टू किसके लिए, फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर ऑफ द शेयर होल्डर मोर देन 5% शेयर्स की फीचर्स दिए हुए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अगेन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑल शेड्यूल 6,
और यहाँ पे दिया हुआ है कि द परसेंटेज रेवेन्यू फॉर ऑपरेटिव ₹1 लाख, अर्लियर 1% और टोटल रेवेन्यू और ₹5,000 विच एवर था या नीड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। और यहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन द ओल्ड शेड्यूल 6 एंड ओल्ड शेड्यूल 3, दोनों के बीच में कंपेरेटिव किया कि दोनों में से क्या है या नहीं, शेड्यूल 6 में क्या था और शेड्यूल 3 में क्या। शेड्यूल 3 न्यू है, शेड्यूल 6 ओल्ड है, जिसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ वर्टिकली फॉर्मेट किया जाता था। यहाँ पे टर्न ओवर 100 करोड़ और मोर देन बट लेस देन 500 करोड़, यहाँ पे 100 करोड़ और मोर एंड टर्न ऑफ टू नियरेस्ट लैक मिलियन और करोड़ द डेसिमल देयर फॉर। फिर नेटवर्किंग कैपिटल, करंट एसेट एंड लायबिलिटीज शोन टुगेदर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फंड द नेटवर्किंग कैपिटल अप्लाई ऑन द बैलेंस शीट। यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी डिस्प्यूटेड इन टू करेंट एंड नॉन करेंट एंड टू बी शोन इन सेपरेटली, हैंड द नेट वर्किंग कैपिटल विल नॉट बी अपियर ऑन द बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट में अपियर होगा, इसमें बैलेंस शीट में अपियर नहीं होगा। यहाँ पे पूरा ऐसा ही इसका पूरा डिफरेंस शीट दिया हुआ है, ये एक बार अच्छे से रीड कर देना कि एग्जाम में इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछने जाने के चांसेस हो सकते हैं। अ फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटली दिया हुआ और ये फॉर्मेट के हिसाब से ये जो नंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ ऐसा पूछ सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3D, तो फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3D किसका है, पार्ट 2, द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये एफ किसका था, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस लिए हमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, नैरो डिस्क्लोजर होना चाहिए, कंपनी एक्ट 2006 के हिसाब से पूरा फॉलो करना चाहिए। हमें हमें टर्नओवर राउंडिंग ऑफ दिया हुआ है कि लेस देन 1 लाख के करोड़ रुपीस होगा, टू बी नियरेस्ट 100,000 लाख और द मिलियन और डेसिमल देयर फॉर। 100 करोड़ रुपीस और मोर टू बी नियरेस्ट लैक मिलियन और करोड़ डेसिमली देयर फॉर। वन ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरिंग इज यूज, इट शुड बी यूज फॉर यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्ट 1 का फॉर्म और बैलेंस शीट का एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, शेयर्स कैपिटल रिवेन्यू एंड सरप्लस मनी रिसीविंग दिया हुआ है। हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज दिए हुए, फिर नॉन करेंट असेट्स एंड द करेंट असेट्स दिए हुए, दोनों को जब माइनस करेंगे हमें यहाँ पे टोटली मिल जाएगा। जनरली इंस्ट्रक्शनली पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, इट शुड बी अस्यूम है तो ड्यूरेशन ऑफ द 12 मंथ होना चाहिए। यहाँ पे पूरा इसमें फॉर्मेट दिया हुआ जो हमने पहले भी TY में पढ़ा हुआ है और MCOM में भी पढ़ा हुआ कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं और किस चीज़ में क्या आना चाहिए, रिवेन्यू सरप्लस में क्या होना चाहिए, करंट असेट्स में क्या होना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज में क्या होना चाहिए, वो सब अभी यहाँ पे उनको लिखा हुआ है और उसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, इतना कोई डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली नीचे आ जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और जिसके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे पीछे दिए हुए टेक्स्ट बुक के पीछे ही। यहाँ पे जैसे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए और ये सभी राइट्स है। अब हम नेक्स्ट लेसन में चले जाएंगे, फोर्थ लेसन ऑडिटर रिपोर्ट्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि एनी इंटरनल ऑडिटर और द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द रिजल्ट और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स परफॉर्म अ लीगल ऑडिट और सब डिवाइडिंग इज नॉन एज ऑडिटी। द रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी प्रोवाइजिंग टू द यूजर सच एज इंडिविजुअल ग्रुप अ पर्सन अ कंपनी अकाउंट गवर्नमेंट और इवन अ जनरल पब्लिक आर अदर नॉन एज असाइनी रिजल्ट ऑफ ऑडिट। अभी ऑडिट को एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, वो रिपोर्ट किस तरीके से होना चाहिए वो पूरा इस लेसन में बताया गया है। इसमें अभी द फोर कॉमन टाइप ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, किस तरह कितने टाइप्स के रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर होते हैं, फोर टाइप्स के लिए। फर्स्ट अनक्वालिफाइड ऑप्शन, अनक्वालिफाइड का ऑप्शन का अनक्वालिफाइड ऑप्शन का मतलब होता है द एनी ऑप्शन इज सेट टू बी अनक्वालिफाइड व्हेन ऑडिटर कंसर्न दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिवन इन द ट्रू एंड फेयर व्यू। कि कोई भी अगर फाइनेंस कोई भी ऑडिटर कंक्लूजन कर देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, उसी को बोला जाता है अनक्वालिफाइड ऑप्शन। अब इसमें कुछ पैराग्राफ वाइज इसमें लिखना रहता है, जहाँ पे आप नीचे डायरेक्टली अगर चले जाओगे इसी के लास्ट लाइन में
द फर्स्ट पैराग्राफ कॉमनली रिफर्स टू इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ कॉमनली रिफर्स टू द स्कोप्स पैराग्राफ डिटेलिंग वेयर द एंड द थर्ड पैराग्राफ इज कॉमनली रिफर्स टू द ऑप्शनेट पैराग्राफ। भाई इसी में इतना ही है कि कौन से पैराग्राफ है वो कल को याद रखना है। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ स्कोप पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ इज द ऑप्शनल पैराग्राफ। अब क्वालिफाई ऑप्शनली रिपोर्ट्स। अब क्वालिफाइडली ऑप्शनली रिपोर्ट्स का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि दिया है कि वन और टू टाइप ऑफ सिचुएशन होता है विच नॉट कंप्लीट विद द जर्नल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट ए क्वालिफाइडली ऑप्शन। दिस टाइप ऑप्शन इज वेरी सिंपल टू अनक्वालिफाई और द क्लियर द ऑप्शन बट द रिपोर्ट स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनली प्रेजेंट विद अ सर्टन एक्सेप्टेंट विच इज अदरवाइजली मिसलेड। द टू टाइप ऑफ सिचुएशन, फर्स्ट सिंगल डिविडेंड फ्रॉम द अकाउंटेंट प्रिंसिपल होता है और दूसरा लिमिट ऑफ द स्कोप्स होता है। लिमिट ऑफ स्कोप का मतलब क्या है? टाइप ऑफ क्वालिफाई अक्योर बाय द ऑडिटर कुड नॉट बी ऑडिट वन और मोर एरिया ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक या दो ही एरिया को वो फाइनेंशियली कर सकता है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता है। अब इसमें क्या दिया गया है कि बट बी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ इट्स एडेड टू एक्सप्लेन द रीजन। सेम चीज़ है, बस एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ को और यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम अभी नीचे आ जाएंगे। ड्यू टू द पैराग्राफ यहाँ पे एक्सपर्ट फॉर ऑप्शन एक मेन पॉइंट है, उसको अंडरलाइन कर दोगे। डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिटिंग होता है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ कि एक्स वाई कंपनी लिमिटेड कंपनी एज पर डिसम्बर 31st 2017 के हिसाब से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी मैनेजमेंट। फिर ऑडिटर रिपोर्ट अंदर द कंपनी एक्ट 2030 के हिसाब से फॉलो करता है एज पर द सेक्शन 143। अभी क्या क्या कंटेंटली होना चाहिए वो सभी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। द अकाउंटिंग साल रिपोर्ट वेदर द अकाउंटिंग गिवन है ट्रू और फॉर, वो भी चेक करना है कि ट्रू और फॉर फेयर व्यूज बराबर है या नहीं है। द ऑडिटर रिपोर्ट शुड ऑल्सो स्टेट दैट द बेस्ट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन ली प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट ली बराबर है नहीं एज पर द लॉ के हिसाब से है या नहीं, वो सब यहाँ पे चेक करना पड़ता है। फिर हम रिकमेंड ऑफ द गिवन कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट एज पर द सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से है या नहीं है। ऑपिनियन ऑफ ऑडिटर कमेंटिंग ऑफ द कंप्लीटिंग ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द केस ऑफ फेलियर ऑडिटर इन द फेस टू कंसीडर। नोट करना रहता है कि उसने बराबर लिए जो प्रोविजन बनाया हुआ है कि वो सभी बराबर है नहीं एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। सिग्नेचर ऑडिटर रिपोर्ट्स, सिग्नेचरली ऑडिटर रिपोर्ट मतलब उसको जो ऑडिटर बना दिया गया है उसके बाद उसको सिग्नेचर और वेरीफाई करने के बाद ही वो रिपोर्ट को मीनिंगफुली कहते हैं। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर मतलब कार्गो रूल्स 2016 द एमसी हैज इश्यू द कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा आपको 4.6.8 पढ़ना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन रिपोर्ट ऑफ बीच ऑफ द लोन्स, लॉ दिया हुआ कि क्या क्या लॉस हमें फॉलो करना चाहिए। द कंपनी ऑडिटेड रिपोर्ट ऑर्डर 2016 कार्गो, कार्गो के बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आर्टिकल डिटेल्स कौन सा होना चाहिए। एप्लीकेबल एज पर द सेक्शन 2 सब कंपनी एक्ट 2013 होना चाहिए। बैंकिंग कंपनी सेक्शन 5 सब सेक्शन सी ऑफ द कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949। इंश्योरेंस कंपनी 1938। कंपनी लाइसेंस ग्रेटेड एज पर सेक्शन 2013। वन पर्सन कंपनी 62 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। द स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। द टर्न ओवर विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट एक्सेड रुपीज 2 crores और सच अ हायर अमाउंट हैज बीन प्रीमियम विच इज शैल नॉट बी मोर देन द 20 crores। खासकर इस लेसन में क्या है कि जितने भी ईयर्स दिए हुए सेक्शन दिए हुए आप सभी को वो याद रखना है। मेनली सेक्शन पूछने के चांसेस हैं थोड़े कि सेक्शन पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या हुआ था। जैसे यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013।
वहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया तो कंपनी एक्ट 1984 देन आंसर विल बी कंपनी एक्ट 2013 ही होने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते वहाँ पे। रीपेमेंट ऑफ लोन होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन किस तरीके से हो सकता है, बोरन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक, गवर्नमेंट और ड्यू टू डेटर्स होल्डर्स। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, जो भी फ्रॉड्स हुआ रहेगा उसको रिपोर्ट बनाना पड़ता है। अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल रिक्रूटमेंट, अप्रूवल ही होना चाहिए एज पर द सेक्शन 197 है। नॉन कैश ट्रांजेक्शनली होना चाहिए, ट्रांजेक्शनली है वेदर द डायरेक्ट और पर्सनल कंट्री में इस, और इफ वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 कंप्लीटेड। ऑडिटर रिपोर्ट्स वर्सेज द पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑडिटर रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा यहाँ पर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है, किस तरीके से होती है, कि उन्हें पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए एज पर सेक्शन 182 के हिसाब से। शुड बी क्वालिफाई हिज ऑडिट रिपोर्ट मेंशन रिगार्डिंग लिमिटेड फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन आर नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोजिंग एज पर सेक्शन 143। द ऑडिटर अकाउंटेंट अकाउंट कंपनी अकाउंटेड विद रिक्रूटमेंटली, इसे वहाँ पे होना चाहिए। व्यूज ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का पूरा व्यू होना चाहिए, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट एज द शेड्यूल्ड ऑडिटिंग कंपनी है थ्रू द ICAI होना चाहिए। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्ट आर द ऑडिटिंग शुड बी सेटिस्फाइड सेटल बाय द पब्लिक अकाउंट गिवन अ ट्रू व्यू ऑफ द कंपनी स्टेट अफेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स। यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन दिए हुए और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इसके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट लेसन चले जाएंगे। फिफ्थ लेसन, न्यू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2200-210 एंड 220। डायरेक्टली हम पढ़ेंगे यहाँ पे नीरियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फेमस ऑफ ऑडिटिंग ICAI स्टैब्लिश इन 1973। द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB वॉज स्टैब्लिश टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मली ऑफ प्रैक्टिस थ्रू द वर्ल्ड। द बोर्ड इशू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग ICAI। द IT ऑल्सो इशू द गाइडलाइन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ICAI। अगर आप देखा जाए तो नेशनली लेवल अगर देखें तो नेशनल लेवल हैज़ बीन इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1949। हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल क्या क्या हम स्टडी करने वाले वो यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली। SA 2000 डिक्लेयर विद द बेसिक प्रिंसिपल दैट गवर्न ऑडिटिंग एंड द SA 200A declared with the objectives and the scope of the audit and financial statement, SA 210 on the aggregate term of auditing engagement, and SA 220 on qualified control of the audit and the financial statement. अब एक ही करके हम पढ़ने वाले हैं। The auditing, the draft auditing standard is the first prepared and comment on the same are called for the form of the members. Institute of Chartered Accountant of India is a member of the International Fabric of the Accounting. International Fabric has so far issued 39 standards and our institute has issued 35 standards on the same line and 3 more are in the principles. वापस वो प्रोसेस दिया है। 2000 अभी हम पढ़ेंगे SA 200। SA 200 कब से इफेक्ट हुआ है ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कब इफेक्ट होता है, तो SA 200 इफेक्ट आफ्टर April 1, 2010 में। अब इसका हॉनर ऑफ हॉस्टेट क्या क्या है, द ऑडिटर शुड मेंटेन द इंटीग्रेशन एंड शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड द हॉनेस्ट एंड इन ही शुड नॉट हैव द एनी वेस्टेड इंटरेस्टेड। इसमें आधा और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे नहीं इसके थ्रू, तो हम डायरेक्ट अभी नीचे आ जाएंगे पेज नंबर 120 पे आना है। जब दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं SA 200A।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग नोट ऑन द सेम। अब ये कब इफेक्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1985 को इफेक्ट हुआ था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव से क्या क्या है ऑब्जेक्टिव दिए हुए? आफ्टर द फॉलोइंग ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिस इन लीगल इक्विपमेंट होना चाहिए। उन्हें क्या फॉलो करना वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। स्कोप्स दिए हुए कि ऑडिटर बैंक इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज पर द बैंकिंग अकाउंटिंग होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क ऑडिटर शुड गो टू द पीलीएम इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम्स। द ऑडिटर ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड लाइक ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर मी। ये सब यहाँ पे वर्ड उनको जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हो तो ये लाइन वहाँ पे यूज होनी चाहिए, ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर मी। उसके बाद जो भी उन्होंने लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एसेट 2010 के हिसाब से द स्टैंडर्ड डीलिंग विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्री इन द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड दोज चेंजेज विद द गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज ए TCWG। अब इसका इफेक्ट कब हुआ था? आफ्टर द अप्रैल 1, 2010 के बाद इसका इफेक्ट्स वहाँ पे होने लग गया था। अब इससे इसके स्कोप्स ऑफ दिए हुए हैं। हम डायरेक्टली नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे दिए हुए हाउ आई ऑडिट विल सेंड द एंगेजमेंट लेटर इन द फॉलोइंग सगे, वैन देर इज चेंज इन ऑनरशिप, वैन देर इज चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्रूटमेंट, चेंज इन लॉ ऑफ रेगुलेटर। फिर हमें एक्सप्लेन ऑन चेंज इन टर्म ऑफ ऑडिट इन एंगेजमेंट ही होना चाहिए। एक्सप्लेन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, किस तरीके से लेटर होना चाहिए? जैसे यहाँ पे टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ABC लिमिटेड विद रेफरेंस टू योर लेटर डेट, वी कुल लाइक टू इन्फॉर्म दैट यू दैट वी आर प्लेसिंग अ कॉन्डक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरिजन ऑफ क्या क्या देंगे, साथ में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट ऑफ अकाउंट। इस तरीके से लेटर बन के वहाँ पे जाते हैं और बाद में यहाँ पे पूरा उनका सिग्नेचर, मेंबरशिप नंबर, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट प्लेस एंड द क्लाइंट सिग्नेचर। अब एज पर द S220 देखा जाए तो यहाँ पे इसका इफेक्ट लीक कब हुआ था हम देख लेते हैं कि ये मेन इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इफेक्ट हुआ था आफ्टर अप्रैल 1, 2010 में हुआ था और एट द लेवल ऑफ ऑडिटिंग फॉर्म एंड एट द इंडिविजुअलिंग ऑडिटिंग, ये सच पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करे जाते हैं। इस लेसन में और कुछ नहीं है, ये वाले सब लेसन में हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसलिए समरी दिया हुआ, पूरा समरी यहाँ पे पढ़ भी लोगे तो आपको ये लेसन आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए और इजीली आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अगर मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिल रहे तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव्स के मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मैं भेज सेंड कर दूंगी वहाँ पे। मैं अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं वहाँ पे मैं सेंड करने वाली हूँ सब आंसर्स के सबके ढूंढ के। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 230, 240 एंड द 300। अब यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है दिस स्टैंडर्ड ऑफ डील विद द डॉक्यूमेंट टू द प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब जो ऑडिटिंग दिए गए किस लिए होते हैं? डॉक्यूमेंटली प्रिपेयर करना रहता है किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। डॉक्यूमेंटली रिफर्स टू वर्किंग पेपर प्रिपेयर एंड ऑपरेट बाय द ऑडिटर। देर आर टू बी द रिटर्न बाई हिम ड्यूरिंग द कंसर्न ऑडिटर। ऑडिटर कलेक्ट नंबर ऑफ पेपर, दे आर कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्स और द वर्किंग पेपर। जो भी पेपर ऑडिटर कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट बोल सकते हो या वर्किंग पेपर बोल सकते हो। और उसके क्या क्या यूटिलाइज एंड यूजफुल ऑफ वर्किंग पेपर, डॉक्यूमेंटली मीन द एविडेंस ऑन द बेस ऑन विच द ऑडिटर ड्रॉ द फाइनल कंक्लूजन। वो सब क्या होता है? एविडेंस होते हैं जिससे एविडेंस से लेकर फाइनली वो कंक्लूजन बना देते हैं, फाइनल स्टेटमेंट बना के देते हैं। एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग द ऑडिटर प्लेन द एसे 2020 ऑन द क्वालिटी कंट्रोल सुप्रीजन एंड द रिव्यूनिंग ऑफ ऑडिटिंग वर्किंग इज नेसेसरी। द ऑडिटर डॉक्यूमेंटली मीन्स द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर प्रोसेस परफॉर्मिंग एविडेंस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द ऑडिटर। और एविडेंस को यूज करके वो लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ बैट कर देते हैं। अब उसको यहाँ पे सच फाइल शुड बी प्रिपेयर एट द मस्ट within the 60 days of the complaint of auditor or it that collect may be not be in the 100% correct। कभी भी 100% correctly होना होगा तो होने का chances कम है। अब कुछ examples होते documents के, क्या क्या examples है? जैसे
ऑडिट प्रोग्राम, लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ एंगेजमेंट, रिप्रेजेंट ऑफ सबमिटिंग टू द मैनेजमेंट इफ एनी अदर करस्पॉन्डिंग कंडक्ट ड्यूरिंग द ऑडिटिंग वर्क। अब यहाँ पे उसके कुछ मैनेजमेंटली माइटेंस दिए हुए हैं, जैसे सम आर एस्टिमेट इन अकाउंट डिसीजन ऑडिटर ऑन द पॉइंट ऑफ द रीजनेबल ऑफ अदरवाइज नहीं दिया गया है। एक यहाँ पे मेन पॉइंट है, आप पेज नंबर 137 पे आ जाओगे, 137 का थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे दिया गया है, जैसे एटलीस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन द 7 ईयर आफ्टर द कंप्लीट ऑडिटिंग रिपोर्ट एज पर प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग 1949। और वर्किंग पेपर्स आर द एविडेंस ऑफ द एक्चुअल वर्क डन बाय द ऑडिटर, दे एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर अराइज एट हिज कंक्लूजन, एफिडेंसी ऑफ द वर्क इंक्रीज विद द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ऑडिटिंग पेपर्स। जो भी एविडेंस मिलेंगे उसी हिसाब से उसी उसको देख के ही उन लोग यहाँ पे काम पे। नंबर एंड नेचर ऑफ वर्किंग पेपर इज डिसाइड बाय द साइज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, कितना बड़ा बिजनेस है उसके हिसाब से पेपर डिसाइडली होते हैं। पार्टनरशिप डीड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मिनी बुक ऑफ द डिफरेंट मिनी हेल्ड बाय द कंपनी, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम ऑफ दिस आर पेपर आर परमानेंटली नेचर वेयर आर द अदर्स मे प्रिपेयर टू अफेयर द करंट ईयर्स ओनली। नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं और उसके नीचे यहाँ पे करेंटली फाइल्स भी दिए गए हैं, कौन से उनको अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऑनरशिप ऑफ द वर्किंग कैपिटल, ऑनरशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल किसके हाथ में होती है, ऑडिटर के हाथ में ही। ऑनरशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल होती हैं जो क्लाइंट होते हैं उनके हाथ में होती हैं, हाउएवर इन द सेटअप द ऑनरशिप बिलोंग हिज ऑडिटर ओनली। देर इज द डिसीजन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द लाइ ऑफ द ऑडिटर, इन द केस ऑफ RDA, एक कुछ RDA कुछ नाम का सेवन था 2000 के हिसाब से, उन्होंने पूरा वहाँ पे ऑडिटर का कैसा रिपोर्ट हुआ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड वॉज मेड इफेक्ट फ्रॉम द 1st July 1985, हाउएवर SA 230 वॉज इम्प्लीमेंटली रिसीव फ्रॉम द 1st April 2009। एग्जाम्स में आपको ये डेट पूछ सकते हैं कि कभी कौन सी चीज़ कब इफेक्ट हुई थी, वो वहाँ पे पूछे जाने के चांसेबल हैं। ऑडिट नोटबुक, ऑडिट के बाद एक नोटबुक होती है जिसमें पूरे डॉक्यूमेंटली फाइल्स जितने जो भी होते हैं वहाँ पे वो अटैच करते हैं। अब आते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 240, जिसमें हमने इन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़े थे एरर्स क्या होते हैं, क्या क्या एरर्स होते हैं वो सब हमें हमने पढ़े। जैसे कोई अकाउंट करते हैं कभी अभी कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाती है हमें अकाउंट करने पे, उस अकाउंट को सुधारने के लिए हमने वहाँ पे एरर्स पढ़े थे कि एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमेट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर्स, ये सब वो एरर्स यहाँ पे इन्होंने थोड़े से उसको एक्सप्लेन किया गया है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है, उसका मतलब कि कोई भी रॉन्ग अमाउंट हो गया या पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड कर दिया है या ऐसा कुछ कर दिया उसी को बोलता है एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिट्स, एरर ऑफ ओमिट्स का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया गया, या खाली मैंने एक ही साइड रिकॉर्ड कर दिया जहाँ पे दो साइड करना चाहिए था, या ट्रायल बैलेंस में एग्री नहीं।